तो गाइज अभी जो आप इन बॉयज और गर्ल्स की टी शर्ट्स पे और क्लॉथ्स पे मेरे चैनल का जो लोगो देख रहे हो, इस तरह के लोगो एडिटिंग को हम बोलते हैं लोगो मॉकअप एडिटिंग। और आप भी अपने लोगो का इस्तेमाल करके ऐसे एडिटिंग कर सकते हो। नहीं पता कैसे करना है, आओ बताता हूँ। तो गाइज इसके लिए आपको रेंडर फोरेस्ट की वेबसाइट ओपन करनी है, देन आपको यहाँ मॉकअप वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सपोज मैं यहाँ से पहले वाले ऑप्शन यानी कि अप्रैल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्लॉथ्स डिजाइनिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसपे आपका लोगो लगाने के बाद कैसा दिखेगा वो आपको दिख जाएंगे। ना केवल क्लॉथ्स, इवन बैग, मास्क वगैरह, या फिर अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं जिसके ऊपर आप अपना लोगो लगा के मॉकअप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ, जैसे कि ये गर्ल्स वाला पिक्चर मैं ले लेता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स दिख जाएंगी जिनके टी शर्ट्स के ऊपर आप अपना लोगो लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये पिक्चर ले लिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बस आपको अपना लोगो अपलोड करना होगा। जैसे कि ये टी शर्ट्स पे यहाँ पे एड योर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, या फिर यहाँ अपलोड का भी ऑप्शन मिल रहा है लेफ्ट साइड में। इस पे क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना होता है। जैसे आप अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं, ये आपको आपकी डिवाइस की गैलरी में या फिर कंप्यूटर के फोल्डर में ले जाता है। तो यहाँ से आपको अपना लोगो फाइल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका लोगो ओपन हो जाएगा। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स, इसी के अंदर हमें अपने लोगो को रखना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा इमेज चाहिए टी शर्ट्स के ऊपर आपके लोगो का, तो यहाँ से आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से इसे छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो को एडजस्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करने के साथ ही आपका जो लोगो होगा वो अपलोड होने लगेगा और ऑटोमेटिकली जो गर्ल बैठी है उसके टी शर्ट्स पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि छप सा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने जो लोगो लगाया है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से लोगो के साइज को छोटा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। देन फिर से आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि लोगो का जो PNG फाइल जो आप इस्तेमाल करोगे टी शर्ट्स पे लगाने के लिए, तो हमेशा ऐसा टी शर्ट चूज करना, जैसे कि अगर वाइट ये टी शर्ट्स है तो मुझे इस पर अगर डार्क लोगो लगाऊंगा तो वो अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा लोगो जो है वाइट कलर में कुछ सेक्शन है, डेट्स वाई ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं दूसरा लोगो चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस देखा आपने, कुछ इस तरीके से आपको अपना लोगो ऐड कर लेना है। लोगो ऐड करने के बाद यहाँ पे और भी अलग अलग जो है वेरिएंट है जिसको सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे अपने लोगो को। जैसे कि यहाँ पे और भी स्टाइल्स हैं, जैसे कि गर्ल्स के अलग अलग पोजेस हैं जिसके ऊपर जो है टी शर्ट्स के ऊपर आप अपना लोगो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे जो पहला लोगो बनाया है, पहला मॉकअप, इसको यहाँ पे नीचे डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इस मॉकअप को डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट, ना केवल टी शर्ट्स बल्कि कोई भी प्रोडक्ट आप चाहें, जैसे कि कैन के ऊपर अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हो, बैग के ऊपर लगाना चाहते हो, किसी बोर्ड के ऊपर लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो और अपने भी लोगों का इस्तेमाल करके मॉकअप बना सकते हो। सो गाइज आई होप कि ये वीडियोज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।